हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 8/20, हमें इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2/5 8/20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरह करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 2 × 20 इक्वल एंड 5 × 8, देन 5 × 8 जा 40, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 40, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दीज आर इक्विवेलेंट एंड नेक्स्ट 3/7 एंड 4/9, इसे हमें देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3×9 = 27, 7×4 = 28। अब हम देख रहे हैं इसके जो आंसर्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थैंक यू।